नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy S20 FE 5G versus Motorola Edge 30 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो S20 FE 5G में 6.29 इंच जबकि Edge 30 Pro 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो S20 FE 5G में 2.93 इंच जबकि Edge 30 Pro 5G में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो S20 FE 5G में 0.33 इंच जबकि Edge 30 Pro 5G में 0.34 इंच की थिनेस मिलती है, जो कि S20 FE 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो S20 FE 5G में 190 ग्राम जबकि Edge 30 Pro 5G में 196 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि S20 FE 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो S20 FE 5G में सुपर AMOLED जबकि Edge 30 Pro 5G में की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो S20 FE 5G में 6.5 इंचेस जबकि Edge 30 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो S20 FE 5G में 85.68% जबकि Edge 30 Pro 5G में 87.6% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो S20 FE 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि Edge 30 Pro 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो S20 FE 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Edge 30 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो S20 FE 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Edge 30 Pro 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो S20 FE 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Edge 30 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो S20 FE 5G में Adreno 650 जबकि Edge 30 Pro 5G में Adreno 730 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो S20 FE 5G में Qualcomm Snapdragon 865 और Edge 30 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो S20 FE 5G में अप टू 1TB जबकि Edge 30 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो S20 FE 5G में Android V11 जबकि Edge 30 Pro 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी S20 FE 5G में 4500 mAh जबकि Edge 30 Pro 5G में 4800 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो S20 FE 5G में 3 कलर्स जबकि Edge 30 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
S20 FE 5G 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 47,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें H30 Pro 5G की तो वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 49,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें मोटोरोला H30 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में S20 FE 5G आगे है, मेन कैमरा में H30 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में S20 FE 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें हवाई P40 है, दूसरा हवाई P40 Pro है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।